रहीम के दोहे कक्षा 7 पाठ 11 से शुरू करने जा रहे हैं। कही रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तब बहुत से लोग हमारे हितैषी होते हैं, पर सच्चा मित्र वही है जो हमारे विपत्ति यानी परेशानियों में हमारा साथ दे। तो सच्चे मित्र की पहचान वही है जो हमारी विपत्तियों परेशानियों और दुख दर्द में हमारा साथ दे, उसी को हम सच्चा मित्र कहते हैं। जाल परे जल जात बही तज में मन का मोह, मछली मन मछली नीर को तौना छोड़ छो। अर्थात रहीमदास जी का कहना है कि जाल में मछली फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़ देता है, यानी जाल जैसे ही पड़ता है वैसे ही पानी जो है वो जाल से निथर जाता है, परंतु मछली फिर भी इस जल के प्रेम को त्याग नहीं पाती है और उसका वही प्रेम उसके प्राण ले लेता है। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता है और सरोवर अर्थात तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वह दूसरों के लिए ही संचित करता है, चाहे पेड़ हो या तालाब हो। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संग्रह पर काज यानी दूसरों के हित के लिए ही करना चाहते हैं। थोते बादर क्वार के जो रहीम देहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अश्वनी माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, उसी प्रकार धनी लोग भी जो अब निर्धन हो गए हैं वो अपने पुराने समय के धन की चर्चा करते हैं, जिस प्रकार थोथे यानी कि खाली बादल जब अश्वनी के महीने में गहराते हैं खड़खड़ाते हैं तो वो उसी प्रकार व्यर्थ होते हैं कि ना तो उनके पास पानी है और ना धनी पुरुष के पास इस समय धन है। तो इस प्रकार रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि खाली बादल ही अश्वनी के माह में गहराते हैं और गड़गड़ाहट करते हैं पर वो बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष भी निर्धन होने पर अपने पुराने समय के धन के होने की चर्चा लगातार करते रहते हैं। धरती किसी रीत है सीत घाम और मोह, जैसी परे सो सही रहे तो रहीम यह दो। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को अपने शरीर पर अपने ऊपर सहती रहती है, उसी प्रकार हमें भी शरीर में वैसी ही क्षमता यानी हमारे ही शरीर में वैसी ही क्षमता होनी चाहिए जिस प्रकार हम जीवन के हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। मुझे आशा है कि आज आपको ये सारे भावार्थ के अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें संदर्भ की जरूरत होती है। शब्दार्थ आपको मैं साथ साथ बताती चली हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 11 से ली गई हैं। ये आप संदर्भ डालेंगे, प्रसंग डालेंगे, उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 11 के रहीमदास के दोहों से ली गई हैं, जिसमें सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया गया है। फिर पहला
दोहा कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति का सौटी जे कसे तेई साचे मीत। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखेंगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तो बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, परंतु सच्चे मित्र की पहचान हमें तभी होती है जब हमारे पास विपत्ति हो, हमारे पास कोई परेशानी हो और कोई व्यक्ति हमारी उस दुख परेशानी में भी हमारे साथ खड़ा रहे। तो धन्यवाद, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहें। स्टे सेफ, स्टे होम।